दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। बिहार में लोकसभा चुनाव का काफी शोर है। मतदाता सहित उम्मीदवार भी मैदान में हैं। कौन कहां से जीतते हैं, कौन कहां से हारते हैं, ये तो मतगणना के बाद पता चलेगा। लेकिन आज मैं बिहार का सबसे चर्चित और मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां उम्मीदवारों की बात जहां हम करते हैं तो महागठबंधन उम्मीदवार राजद से तनवीर हसन, जो बहुत ही मृदुभाषी, सुशील और सरल स्वभाव के बहुत अच्छे पुराने अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, कई दफा MLC रह चुके हैं और बड़ी उनकी क्षेत्र में और लोगों में पकड़ है, उनसे लोगों की नाराजगी नहीं है। वहीं दूसरी ओर NDA के उम्मीदवार गिरिराज सिंह हैं, जिनका दावा है कि मैं पिछले 96 से राजनीति जीवन जो व्यतीत कर रहा हूं और बेगूसराय में ही मेरा राजनीति क्षेत्र रहा, मगर चुनाव लड़ने की इच्छा रहने के बावजूद उन्हें 2014 में बेगूसराय के बजाय नवादा भेज दिया गया। नवादा में जीते, मंत्री बने और बड़े ही प्रखर वक्ता हैं। उन्हें फिर वापस बैरन बेगूसराय ले आया गया, जहां से वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। मान मनौवल के बाद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं। तीसरा, उसी बेगूसराय क्षेत्र में कूद पड़े हैं एक नौसिखुआ लड़के हैं, कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट के कैंडिडेट हैं, CPI से लड़ रहे हैं और बड़े ही चालाकी से कम ही समय में चर्चा जैसी है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन 30 लाख रुपया चुनाव लड़ने के लिए इकट्ठा भी कर लिए हैं। उनकी पहचान मोदी विरोधी बोल के है, उन पर देशद्रोह का भी मामला दर्ज हुआ, चार्जशीट भी सबमिट हुआ। वो देश के विरोध में बोलते हुए पाए गए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ते थे और वहां वो देशद्रोही कार्य किए, ऐसा पुलिस ने FIR किया। उसी मामले को लेकर चर्चित हुए, आज कई लोग उनके समर्थक बताए जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रचारित किया जाता है, जबकि बेगूसराय की जमीन उनके लिए नई है। वो जन्म जरूर लिए, लेकिन उनके लिए राजनीति क्षेत्र नई है। उनके लिए अगर जाना जाए तो पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार तनवीर हसन, भोला सिंह भाजपा उम्मीदवार जो जिनका देहांत हो गया, उनसे सीधी लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में बहुत ही कम वोट से तनवीर हसन हारे और लगभग 4 लाख वोट उनको प्राप्त हुआ था। भोला सिंह जीते और उनकी देहांत हो गई, उनके जगह गिरिराज सिंह को रखा गया। अब दो भूमिहार उम्मीदवार गिरिराज सिंह और CPI के कन्हैया कुमार, महागठबंधन उम्मीदवार तनवीर हसन, जो तनवीर हसन अनुभवी ज्ञानी पुरुष हैं, तनवीर हसन का तूफानी दौरा बेगूसराय जिला में चल रहा है। काफी लोगों का लगाव है, काफी लोग प्रभावित हैं और हुजूम लोगों के उनके साथ है। जमीनी वर्कर, जमीनी कार्यकर्ता आज तनवीर हसन के साथ है। महागठबंधन की बात अगर हम करते हैं तो अल्पसंख्यक जादव, निषाद, कुशवाहा, दलित सहित अन्य पिछड़ी जाति का भरोसा तनवीर हसन पर है और उस भरोसा के सहारे तनवीर हसन की जीत सुनिश्चित मानी जाती है। युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष काले साहब ने भी कैंपेनिंग किया, कई लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। बेगूसराय एक ऐसी धरती है जहां
चौमुखी रास्ता है जहां से आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। बेगूसराय एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र है, वहां के लोग धनी मानी हैं। वहां एक समय में अपराधियों का जमावड़ा हुआ करता था, अपराधी प्रवृत्ति के लोग बेगूसराय में ज्यादा हुआ करते थे। एक फेज था, उस फेज का भी अंत हुआ और बेगूसराय में अच्छे और पढ़े लिखे लोगों का भी भीड़ है। आबादी की जहां तक बात करी जाए तो अल्पसंख्यक यादव और पिछड़े जाति की बहुलता वहां मानी जाती है। और बेगूसराय में त्रिकोणीय लड़ाई बताई जाती है, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि बेगूसराय में लड़ाई तनवीर हसन वर्सेस गिरिराज सिंह है और कन्हैया कुमार लड़ाई से बाहर हैं। वो तीसरे नंबर की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार के साथ भी बहुत सारे लोग हैं और लड़ाई लड़ने की तैयारी है और जोर शोर से कैंपेनिंग की जा रही है। बहरहाल आपको देखना है कि कौन उम्मीदवार सरल, सुशील और सज्जन हैं, अनुभवी हैं, ऐसे लोगों पर विश्वास जताना है। क्योंकि फेज चेंज हो चुका है, विकास की वायर बहानी है, लोगों को आगे बढ़ना है, बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, तो अच्छे उम्मीदवार का भी चयन करना है। चूंकि तनवीर हसन पिछले बार कम मत से जीते हारे और भोला सिंह जीते थे, गिरिराज सिंह को नवादा से बेगूसराय भेजा गया और वो बुझे मन से चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार जवान है, युवा हैं, उनके साथ युवाओं की भीड़ है। लेकिन जमीनी जहां तक मामला बनता है तो अभी कहा नहीं जा सकता, चुनाव में कुछ वक्त है, मतगणना होने पर पता चलेगा कि किसका पलड़ा कितना भारी है। मैं नहीं बता सकता कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, लेकिन जनता का भरोसा, जनता का झुकाव, जनता का लगाव, जनता का विश्वास ही मैं बता सकता हूँ। हर लोग अब परिवर्तन चाहते हैं, अनुभवी तेज तरार और सुशील सज्जन उम्मीदवार चाहते हैं। कई दफे से तनवीर हसन चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस उनका पिछले दफे रहा। गिरिराज सिंह भी जाने माने हैं, कन्हैया कुमार भी जाने माने हैं, अब जनता को चुनना है। लड़ाई रोचक हो रही है, भीड़ अधिक है, हल्ला अधिक है, चर्चा अधिक है, कहने वाले अधिक हैं, सुनने वाले अधिक हैं, सुनाने वाले अधिक हैं, बोलने वाले अधिक हैं, जमा करने वाले अधिक हैं, जमाखोरी भी होने की संभावना है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।